बोले भारत माता की जय, बोले गौ माता की जय, बोले भारतीय जनता पार्टी की जय, बोले बेरी हल्के की जय। विधानसभा चुनाव का प्रचार जोरों पर है और प्रत्याशियों की दिनचर्या व्यस्त हो चली है और इसी क्रम में आज बेरी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी संजय कबलाना जी हमें मिल गए। सुबह सुबह चुनाव प्रचार को निकल रहे थे, आइए इनसे बात कर लेते हैं। संजय भाई, कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है जी, और बेरी हल्के की बहादुर जनता ने मन बना लिया की बार 6 बार के विधायक को हराने का काम करेगी और बेरी के अंदर कमल का फूल खिलाने का काम करेगी। कल कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, 7 चीजों को लेकर के उन्होंने मुख्य फोकस किया है। पेंशन की बात करें, बिजली की बात करें या अन्य जो घोषणाएं हैं आपने भी सुनी होंगी, आप क्या समझते हैं, क्या वो 7 जो उन्होंने घोषणा पत्र में सूचनाएं डाली हैं आप कितने सहमत हैं, क्या समझते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा झूठ और लूट की राजनीति करती है, प्रॉपर्टी डीलरों की पार्टी है, और आज ये 6000 पेंशन की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो 10 साल के अंदर पेंशन बढ़ाने का काम किया है और ये 6000 की बात करते हैं, अभी 6000 की पेंशन हम करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ झूठी बात है। 10 साल इनकी कांग्रेस की सरकार थी हरियाणा प्रदेश में, अगर ये करना चाहते तो 6000 रुपये उसी टाइम कर देते। इन्होंने तो झूठ बोलने का काम है। और जिस तरीके से बिजली की बात करते हैं कि हम यूनिट फ्री करेंगे, सोलर का सिस्टम भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही बिजली का इंतजाम कर रखा है और करीब करीब मैं ये कह सकता हूँ कि हर गाँव में भारतीय जनता पार्टी ने बिजली 22 से 24 घंटे देने का काम किया है। और सिर्फ डीलरी का काम करते हैं, डीलरी का काम है, इन जमीन बेची लोगों की और जमीन खरीदी और पैसा कमाने का काम किया और अपना घर बनाने का काम किया, लोगों की आंख खून चूसने का काम किया कांग्रेस पार्टी ने। विक्रम कादियान ने भाजपा का साथ छोड़ दिया है, कांग्रेस का दामन थाम लिया है। देखिए, चाहे 6 बार विधायक की बात करूं, चाहे विक्रम कादियान की बात करूं, ये दोनों परिवार राजनीति परिवार है और इनकी दोनों की यही सोच है कि ये कुर्सी हमारे घर रहे, ये कुर्सी किसी के घर ना जाए, कोई गऊ भगत का बेटा मिलने ना बने और कोई किसान का बेटा मिलने ना बने, हम ये कुर्सी हमारे पास रहे और हमारे पास ही रहनी चाहिए और इस कुर्सी पर हम ही बैठे। इनकी दोनों की यही सोच है कि किसी और बेटा, कोई और नौजवान बेटा, कोई और भाई एमएलए ना बने। और आज जो दोनों इकट्ठे हुए हैं, इस बात से भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता में रोष है, जो विक्रम कादियान ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन की, आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और मजबूत होकर के चुनाव लड़ने लग गया है। और अब की बार जो 7 गज की धोती बताया करते लोग कि 7 गज की धोती में लपेट कर मार दूंगा, अब की बार दोनों राजनीति परिवारों को, बेरी हल्के की बहादुर जनता, इस 7 गज की धोती में दोनों लपेट कर दोनों ने मारने का काम करेगी और कमल का फूल खिलाने का काम करेगी। उनके पास, विपक्षियों के पास एक हथियार और है, वो जब ये देखते हैं कि भाई माहौल नहीं है तो वो रोना शुरू कर देते हैं और राग अलाप लेते हैं, कभी चौधर का राग अलापते हैं, कभी कहते हैं कि ये हमारा आखिरी चुनाव है। देखिए, 6 बार के विधायक अपने गांव में रोने का काम करते हैं, मेरा गांव दुबड़धन में जिस तरीके से रोया, आंसू निकालने का काम किया, अगर इतना विकास किया और 6 बार विधायक रहे, इतना काम किया है तो रोने की क्या जरूरत पड़गी? रोते तो वो लोग हैं जिन्होंने काम नहीं किया, अगर जिसने काम किया होगा वो तो हंसकर के वोट मांगने का काम करेगा और जनता उसको अपना आशीर्वाद देने का काम करेगी। ये तो इनका एक ढोंग है, जादूगर आदमी है, 6 बार का विधायक जादूगरी से काम करता है। और मैं ये कहता हूँ, आज तक विधायक की धर्मपत्नी, विधायक का बेटा, विधायक की पुत्र वधू आज तक कहीं वोट मांगने नहीं गई। आज क्या जरूरत पड़गी कि गांव-गांव जाने की जरूरत पड़गी और गांव-गांव पैर पकड़ने लग रहे हैं? क्या जरूरत पड़गी इतनी बार 6 बार के विधायक को कि सारा परिवार आज छोटे से छोटे गांव में, जो कभी भी नहीं गया किसी गांव में, उन गांव में भी जाकर के वोट मांगने का काम कर रहे हैं? तो मेरे को ये महसूस हो रहा है, ये लग रहा है कि अब की बार बेरी हल्के में 6 बार के विधायक की हार निश्चित है और लोगों ने मन बना लिया कि 3री बार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने का काम करेंगे। बिल्कुल, संजय कबलाना ने आज एक बड़ी बात कही है और वो बड़ी बात तमाम हरियाणा वासियों के लिए है। ये बात केवल बेरी विधानसभा क्षेत्र के लिए नहीं है, हरियाणा विधानसभा पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए इसलिए है कि एक विधायक को काम कराने के लिए कितना समय चाहिए, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल या 30 साल। जो विधायक लगातार 30 साल से एक ही विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है उसको अब और समय चाहिए काम कराने के लिए। यह बड़ा प्रश्न है। बिल्कुल, एक विधायक के लिए 5 साल बहुत होते हैं, 10 साल बहुत होते हैं, लेकिन ये 30 साल के विधायक एक बार फिर से समय मांग रहे हैं। देखिए, इस 30 साल के विधायक ने महिला कॉलेज का बहुत बड़ी डिमांड है बेरी हल्के अंदर।
हरियाणा प्रदेश में गठबंधन की सरकार बनी थी और इस 30 साल के विधायक ने एक सवाल उठाया था, 4 महीने सरकार बनी हुई विधानसभा के अंदर, और ये कही थी कि महिला कॉलेज की बहुत बड़ी डिमांड है बेरी हल्के में और महिला कॉलेज बनाया जाए। और हरियाणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने एक बात कही थी उठ करके कि डॉक्टर साहब 10 साल आपकी सरकार थी, आपने कॉलेज क्यों नहीं बनवाने का काम किया, आज हमारे ऊपर आप थोप रहे हो 4 महीने के अंदर कि महिला कॉलेज चाहिए। और जिस तरीके के हालात आज बेरी गांव में जो स्टेडियम है उस स्टेडियम को आप पत्रकार साथी जाकर के देखने का काम करें, वो स्टेडियम गिरने को जा रहा है, गांव गांव में पानी भरा है, गांव में पीने का पानी नहीं है। 30 साल में जो आदमी इन लोगों को संभाल नहीं सका, इन लोगों की सेवा नहीं कर सका, इन लोगों के काम नहीं कर सकता, वो 5 साल में क्या कर सकता है। 30 साल दे दिए लोगों ने, जिस बच्चे ने उस टाइम वोट डाली थी उसके भी बच्चे हो गए जवान, उन वे बच्चे भी आज वोट डालने के लायक हो गए। आज लोग छिकलिए, लोग तंग हो चुके हैं, बेरी हल्के की जनता तराई तराई कर रही है और बेरी हल्के की जनता ने मन बना लिया है कि अब की बार कमल का फूल खिलाएंगे और तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएंगे। अंतिम सवाल है संजय भाई, किसान की बात करते हैं, कृषि की बात करते हैं, आप भी किसान के बेटे हैं, आपने भी किसानी की है, हम सब यहाँ किसानी से जुड़े रहे हैं। किसानी के मुद्दे को लेकर के तमाम दोनों सरकारें, मतलब दोनों दल भाजपा और कांग्रेस अपना अपना दावा करती है। मुझे एक किस्सा याद आया बेरी का, जब ये चेक बटे थे मुआवजे के जिसमें कांग्रेस की सरकार थी उनके अमाउंट को लेकर के, और बेरी में ही एक ऐसी घटना हुई थी जब एक जनप्रतिनिधि को कुछ महिलाओं ने ऐसा गिफ्ट दिया था कि आप ये पहन लो अगर आपके लिए सक्षम नहीं है तो। उस घटना को लेकर के भाजपा और कांग्रेस किसानों के प्रति कितनी वफादार है, कितने दावा है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा किसानों का भला किया है और हर किसान के खाते में भारतीय जनता पार्टी ने 6,000 रुपए एक किस्म से भत्ता देने का काम किया है और किसानों के खातों में जो किसान निधि में आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से किसानों को पैसा देने का काम किया, अगर असली कोई माती है किसानों की पूरे देश के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी माती, और किसान को हमेशा जिंदा रखने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा प्रदेश से पर्ची और खर्चियों खत्म करने का काम किया, जिस तरीके से कांग्रेस के राज में HCS लगते थे तो सीधा 50 लाख रुपया रेट था, इंस्पेक्टर लगता था तो सीधा 30 लाख रुपया रेट था, और हमारा नौजवान भाई को सिपाही लगता था तो सीधा 12 लाख रुपया रेट था। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा लूट और खसूट की राजनीति करी है, अगर पर्ची और खर्चियों खत्म करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, और गरीब के घर में चूल्हा जलाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो एक गरीब के बेटे को मुख्यमंत्री बना सकती है, वो एक गरीब के बेटे को प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है, और मेरे जैसे किसान के बेटे को और गौ भगत के बेटे को भारतीय जनता पार्टी एक हफ्ते में बुला करके टिकट देने का काम कर सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी है और ये भारतीय जनता पार्टी का परिचय है, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा गरीब परिवारों के साथ खड़ी है और हमेशा गरीब की मदद करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। और लोगों ने मन बना लिया पूरे हरियाणा प्रदेश में कि तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने जा रही है और कमल का फूल खिलने जा रहा है। चलिए अंतिम बात कर लेते हैं, वैसे तो संजय जी को देरी हो रही है लेकिन विपक्ष ने एक दुष्प्रचार चलाया था आपके खिलाफ कि संजय कबलाना एक भारी प्रत्याशी है और पार्टी में नए नए शामिल हुए हैं, लेकिन जिस तरह से आपके तूफानी प्रचार है और इसने उनको विपक्ष को सोचने पर मजबूर कर दिया है, तो बेरी हल्का वासियों के लिए संजय कबलाना क्या संदेश देना चाहते हैं। देखिए, जो कांग्रेस पार्टी के जिसको अपना बड़ा नेता मानते हैं वे वायनाड से जाकर के लड़ सकते हैं, तो क्या संजय कबलाना जिले से अपने जिले से नहीं लड़ता, बेरी से नहीं लड़ता, अशोक तोवर को भारतीय जनता पार्टी सिरसा से लड़ा सकती है तो क्या संजय कबलाना अपने जिले से नहीं लड़ सकता, चौई देवलाल जी रोहतक मान के लड़ सकते हैं, क्या संजय कबलाना बेरी से नहीं लड़ सकता। संजय कबलाना का मकान तो इस बेरी हल्के का मकान तो सेक्रेटरीट के साथ में है। मैं इन दोनों से पूछना चाहता हूँ, राजनीति परिवारों से, चाहे विक्रम कादयान की बात हो चाहे रघुवीर कादयान की बात हो, मैं ये पूछना चाहता हूँ इनके मकान कहाँ है, कम से कम लोग बताने का काम तो करो। मैं तो सेक्रेटरीट के साथ में रहता हूँ, अगर कोई भी बेरी हल्के का आदमी मेरे पास फोन करके आएगा तो मैं बेरी हल्के का आदमी सेक्रेटरीट में बाद में पहुंचेगा, उससे पहले मैं सेक्रेटरीट में जा लूंगा और उसका काम कराने का काम करूंगा। ये सब एक मुद्दा बनाए हुए हैं, भारी है, भारी भारी है, मैं भारी नहीं हूँ। मेरे को तो भीमेश्वरी माता रानी ने बुलाया है, अपना आशीर्वाद दिया है, और माता रानी ने कहा है, भजन में कहा है
चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है इस खुट्टे को पाड़ने के लिए, इस 6 बार का जो पट्टा लिखवा रखा है इस पट्टे को तोड़ने के लिए। मैं तो माता रानी ने बुलाया हूँ, माता रानी ने आशीर्वाद दिया और अब की बार मेरे को पूरी उम्मीद है और हौसला और हिम्मत के साथ कहता हूँ कि अब की बार बेरियल की बहादुर जनता इस पट्टे को भी तोड़ने का काम करेगी और इस खुट्टे को भी पाड़ने का काम करेगी। बिल्कुल, बेरी में बदलाव निश्चित है, ऐसा संजय कबलाना के आत्मविश्वास से जाहिर हो रहा है। संजय कबलाना ने जिस बेबाकी से तमाम पत्रकारों से बातचीत करते नजर आते हैं और इस बार बेरी में बदलाव, जी हां, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रही है। एक ऐसे किसान के बेटे को, एक गो भगत के पुत्र को उन्होंने मैदान में उतारा है जो सक्षम है और बेरी से जिन्होंने मजबूती से अपनी ताल ठोक दी है।